सिख इतिहास के जिथे वड्डे वड्डे शूरवीर योधिआं दा नाम आ जिन्होंने हाथी वर्षे मार के हाथी के मत्थे पाड़ दिते, उत्थे ही कुछ अजिहे भी लोग हन जिन्होंने वो वर्षे बनाए सीगे, वो सी सिकलीगर भाईचारा जिहड़े गुरु के बहुत नज़दीकी सीगे, गुरु साहब के बहुत लाडले सीगे, गुरु साहब के जिन्ने भी गुरु साहब के फौजां दे गुरु साहब के जिन्ने भी हथियार बनते सीगे सारे इन्हां सिकलीगर भाईचारे वल्लों ही बनाए जांदे सीगे। इह जदों मुगलों के उपर लड़ाई लड़ी है, मुगलों के लड़ाइया लड़िया गई ने, इन्होंने जिते हथियार बनाए ने उत्थे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के लड़ाइया भी लड़िया ने। अज इन्हां दी गिणती जिहड़ी आपां गिणती की गल करिए बहुत गिणती दे विच इह भाईचारा बहुत घट आ, पूरे भारत दे विच इह फैलिया होया आ। खास गल इह आ पूरे भारत दे विच यूपी बिहार दिल्ली मध्य प्रदेश दे विच होण दे बावजूद भी इह अपने बच्चों पूर्ण तौर पर गुरसिख रख रहे ने। पर इन्हां दे हालात की ने अज इह जिथे के जे आपां पंजाब दे सिखां दी गल करिए उन्हां दा जीवन पद्धर काफ़ी उच्चा आ, कुछ लोग विदेशां चले गए पढ़ लिख गए अफसर ला गए, पर इन्हां दा जीवन पद्धर किहो जिहा आ। जिहड़ी साडी संस्था आ साडी सिरमौर संस्था आ SGPC उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी सी इन्हां नूं संभालण दी, इन्हां दी बांह फड़न दी, उहदा दे विच की रोल रहा आ सारा कुछ जानण वास्ते साडे नाल कुछ सिकलीगर भाईचारे दे आगू जुड़े हुए ने, आपां उहनां नाल गल्लबात करदे आं। भाई साहब की नाम तुहाडा? मेरा नाम जी जिले सिंह है, संस्था सिख सिकलीगर सैल पंजाब प्रधान, तो मेरी टीम है जिला प्रधान दविंदर सिंह पटियाला, जिला प्रधान जय सिंह संगरूर तो, साढ़े हलका इंचार्ज अमरीक सिंह लहरा गागा, साढ़े तूफान सिंह और अपने दलेर सिंह ये अपने अपने संभू मोर्चे ते हाजरी लवा रहे हैं। दीप सिद्धू ने बड़ा वधिया उपराला किया होया जिहड़ा। बाबा जी पहले तुसीं इह दसो तुहाडी जिहड़ी मौजूदा समें च गिणती किन्नी कि आपां भारत दे किहड़े किहड़े सूबे दे विच आपां फैले होए? ठीक है जी, तकरीबन सिकलीगर बरादरी की गिणती तो हैगी 8 करोड़ पूरे भारत दे विच, तकरीबन जिहड़ी गिणती दर्शाई जाती है वो 4 करोड़ दर्शाई जाती है, जिन्हां दे राशन कार्ड वोट कार्ड नहीं बने वो गिणती तो दूर ने। तो ऐसा है सिकलीगर बरादरी की जिहड़ी अज दे समें दे विच हालत है तकरीबन 80% लोगों को जमीन नहीं। तुसीं इहदे बारे जिहड़ी तुसीं हालत की गल करते हो जी, साडी इक सिख सिरमौर संस्था है SGPC, हाँ जी हाँ जी, ते उहदी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनदियां, तुहाडे लई उहनां प्रति कहो जिहा रवैया जां तुसीं उहनां नाल कदे गल करन की कोशिश की जां कहो जिहे हालात च तुसीं निकल रहे हो? हाँ जी जी, तकरीबन 1996 तो लगातार अपने हालातों बारे जानकारी दे, असीं हालातों के रह रहे हैं जी, सिरां ते छत नहीं हैगी, बच्चे अनपढ़ ने, कारोबार है नहीं, तो बहुत माड़ी दृष्टि के अज सफर बतीत हो रहा है, पूरे पंजाब का नहीं पंजाब तो भी बाहर पंजाब का तकरीबन हुण जिहड़े ताले चाबियां का जिहड़ा सिस्टम सी या पुराने बठलां नूं गंढ के गुजारा करन दा सिस्टम सी वह बंद हो चुके है, क्योंकि अजकल प्लास्टिक चल पिया या नवे जिंदे अगला 50 रुपए का जिंदा ले लैंदा, चाबी कोई लवाउंदा नहीं हैगा, कारोबार साडा तकरीबन ठप्पी है, तो वो परमात्मा ही अपना गुजारा करी जांदा जिहड़ा जिन्ना थोड़े च थोड़ा गुजारा कर लैंदे आ। साढ़े नाते श्रोमणी कमेटी सालाना बजट के 1990 तो सानू पता, उस तो पहला तो पता नहीं, ये बजट के कुछ ना कुछ रखती आई है, कोई पहला रखती 10 लाख 20 लख 30 लख मेरे मंग पत्र देने, उन्होंने 50 लख करता 60 लख करता, पर लग्या कितने भी नहीं। ऐतकी 2019 के 14 करोड़ 50 लख रुपया रखा गया सी, मेरी 20 करोड़ की मंग रही थी, 20 करोड़ रुपया साल के सिकलीगर बरादरी के उपर लगना चाहिए, पर वो कितने फुटी कौडी भी इन्होंने लाई नहीं, सारा इन्हों की जेबा दे विच जा रहा है, पर रखण का भी की फायदा। उपरों कहें असी पढ़ाई तो लाने, पढ़ाई तो पैसा देखो कि लगता है, एक तो सिखां दे निजम दे विच जिहड़े गरीब बच्चे ने लाते हैं, फिर दलित बच्चों पढ़ाई तो वह भी पढ़ाई तो लाते हैं, फिर सिकलीगर बजट है वह कहें पढ़ाई तो ला रहे हैं, ये तीन थावे साडा मजाक नहीं कर रहे, लुट्टन का ये उपराला इन्होंने चंगा कर रखा, जो श्रोमणी कमेटी के कॉलेज है वड्डे वड्डे स्कूल हो गया उन्होंने दाखला दो, सरकारी स्कूल जोड़े चल रहे ना तो फीसा ले रहे किताबा कापियां मुफ्त दे रहे, फिर कि पढ़ाई तो लाएंगे, सानू कारोबार देन बना के श्रोमणी कमेटी के 1000 किले गुरुद्वार के नाते जमीन है वो तो सानू 5-5 मरलिया के प्लाट कट के दे देन, जो सानू गुरुद्वार के जो थले दुकाना बनिया हुई ने सानू 2-2 4-4 दुकाना दे देना एक एक शहर के संबंध में मिले हो किसी श्रोमणी कमेटी के आगू या श्रोमणी अकाली दल के आगू? अज सरदार गोबिंद सिंह लौंगोवाल प्रधान साहब न मैं 4 बारी मिल चुके हाँ,
और उस तो पहला अवतार सिंह मक्कड़ नूं असी 20-25 मंग पत्र दे चुके हैं, इन्हां नूं भी मंग पत्र दे चुके हैं, पर इन्हां दी सेहत ते कोई असर नहीं है। पहला तो सानू 1996 ते मेरे कोले सारे प्रूफ इन्हां दीआं चिट्ठियां पईआं ने विस्तार सहित, जिहड़े जवाब ये कहिंदे सी जिले सिंह जी विस्तार सहित मंग दसो तुहाडी की आ, असीं कल्ली कल्ली मंग दर्शाई है। XGPC दीआं 15 सीटां रखवीआं ने भी साडा सिगलीकर बरादरी दा, जां तुसीं कुरबानी नूं जाण के पिछोकड़ नूं जाण के इक साडा रिजर्व सीट दे विच रख लो, जिहड़ी 15 सीट रखियां होईयां ने रखवीआं, उहदे विच इक सानूं भी शामिल कीता जावे। रिजर्वी है, रिजर्वी दे विच साडा सिगलीकर इक भी नहीं है, ये आपदे सारे रिश्तेदारां नूं जां आपदे आंढी गुआंढियां नूं दिंदे ने, ते साडू बेइंसाफी है ते साडे नाल इन्हां ने वितकरा ही कीता है, अज तक सानू गल नाल नहीं लाया, किसी भी स्टेज ते इन्हां ने सन्मानित नहीं कीता। बेसक सानू हज़ार हज़ार बंदा बुला लैंदे ने, साडे नाल तां इह दुश्मन वाला व्यवहार करदे आ। विदेशां दे विच 25-30 जथेबंदियां हिंदुस्तान दे विच कम कर रही ने, अज तो नहीं 20-20 सालों तो जथेबंदियां कम कर रही ने, सिगलीकरां दा बाहरों करोड़ों रुपया अरबों रुपया फंड आ रहा, तो वह सिगलीकर बरादरी से फुटी कोटी भी नहीं लगती, उन्हां दी जेबां च जा रहा है। एक एक बंदा जिहड़ा जथेबंदी वह चला रहा विदेशों पैसा लै रहा, 250-250 करोड़ रुपए के उन्होंने होटल खरीद ले, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਗਲੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਤੀ, 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿਗਲੀਕਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ, ਵਿਚੋਲੇ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਲੀਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਗਲੀਕਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 14 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਤੇ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? 12 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੈਂਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਚਾਕੂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, 200-300 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਓ?
असी बेनती यही करना चाहते हाँ। देखो जरा श्रोमणी कमेटी का दसवंत कट के असी श्रोमणी कमेटी को दिने या गोलक के पाने नवी जनरल नेशन है जिनी भी यूथ है साडा पंजाब का सिखी यूथ है सिखी यूथ में यह चाहिए भी कोई भी ऐ नहीं कहना मैं कल्ली सिकलीकर बरादरी कोई भी गरीब सिख है उसकी सहायता करो और रोटी कन्नी भुखा ना मरे वो सिर पर छत हो कुछ कारोबार बना के दे दो ना उन्होंने पैसे दो तो कारोबार बना के दे दो भी रोटी रोजी चलता होजू तुम एक बार 5,000-10,000 दे दो खा के फिर उही हालत उन्होंने कारोबार बना के दो अगे कारोबार वह चले। इस मसले से साढ़े गल करने वास्ते सरदार जोगा सिंह चपड़ जी बने हुए हैं उन्होंने भी पुछते उन्होंने की विचार ने जोगा सिंह जी एक पासे तो जथेदार जी कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल का पुत्र है जोड़ा एच जी पी का पुत्र जो श्रोमणी अकाली दल है यानी कि बादल है भी वह कोई उन्होंने आँच नहीं आनी चाहिए। दूजे पास जो सिकलीकर भाईचारा है जोड़ा सिख पंथ का एक अहम हिस्सा है वह सिख पंथ में चढ़ती कला लैके जाने वास्ते बहुत व्डा योगदान रहा है वो सड़कों धक्के खा रहा है जी की कहना चाहते जथेदार साहब को मेरी बेनती सुनो जे जिहड़ी गल अकाल तख्त के मौजूदा जथेदार जिन्हों अद्धी कौम मनती अद्धी नहीं मनती हरप्रीत सिंह उन्होंने कही है जे वह अपनी गल तो सही है तो वह बादलों एक गल पुछ लैन भी वह केंद्र दे विच मंत्री रहे हैं केंद्र च भाईवाल रहे हैं बीजेपी की सरकार होंदे हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समुचे भारत के सिकलीगर सिखा के उत्ते अत होया इन्हां दे उत्ते डांगा पईआं जिथे जिथे बीजेपी की सरकार सी उत्थे उत्ते इन्हां सिकलीगर भाईचारे के उत्ते अत्याचार होया लेकिन वह कह रहे हैं कि श्रोमणी कमेटी का पुत्र है हुण इह दसण जथेदार साहब भी इस पुत्र की भाईवाल बीजेपी जिहड़ी हुण तक रही है इन्हां दे राज दे विच सिकलीगरां दे उत्ते अत्याचार हुंदा रहा सो इस करके जिहड़ा उदण परसों चौथे वाला जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब का भाषण सीगा ना जी वह तो एक तरह का अकाली दल बादल का बुलारा होकर ही सामने आ रहा है कोई ये नहीं दिख रहा जी मां पुत वाली गल सी वह भी खोखली नजर आ रही नहीं। देखो जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद दे विच आई करतार सिंह झब्बर उन्हें गए उन्होंने कब्जा लिया अंदर बैठे नरेणू महंत उन्हां तों ते हुण मैनू नहीं समझ आउंदी जथेदार साहब कहने कि तुसीं डांगा लैके आ जाओ नरेणू महंत उन्हां दीआं रूहां तां श्रोमणी कमेटी दे अंदर बैठियां गुरुद्वारियां दे यह कहने भी नरेणू महंत दीआं रूहां जिहड़ियां बादल दा टब्बर बादल दा कुनबा सारा अंदर बैठा है भी उन्हां दी उह करन वास्ते राखी करन लई संगत आवे ते कढ़णा तां उन्हां नूं है ये उन्होंने रोकण वास्ते उन्होंने रक्षा करने वास्ते बुला रहे हैं और सिकलीगर भाईचारे का यह शुरू तो ही दोष रहा जी इन्होंने 14 करोड़ की गल कही है ये को अज की गल नहीं हैगी इन्हां दे नां दे उत्ते बजट दे विच पैसे रख ले जाने हैं लेकिन दस दो पूरे भारत दे विच पंजाब दे विच किहड़े सिकलीगर सिख भाईचारे का कितने जे किसी की छत गिर गई तो वो छत पा के आया कोई श्रोमणी कमेटी मैंबर जां किहड़े सिकलीगर सिख भाईचारे के बच्चों नौकरी दी है ये कोई मूँह नाल बोलण वाली गल्लां नहीं तो अंकड़े बोलने हैं श्रोमणी कमेटी के बजट या गजट बोलने हैं और इत्थे ही बस नहीं एक कैंसर का बजट रखा जाता है कि हर हल्के कैंसर का पैसा वंडिया जाता है वह भी सिफारशा के नाल जे किसी परिवार के जी नूं कोई कैंसर हो गया तो इन्होंने पैसे देने होंगे उदे विचों भी पैसे खाए जाने हैं आने वाले समय के विच देखियो तो सही की निकलता जी असी तो नहीं पहला बोलते सी कि जेकर असी गल करिए एक सिख की दाढ़ी दूजे सिख के कोल फड़ाउणी कोई चंगी गल नहीं सी पर जदों इहो जे हालात बन गए तो हुण चुप भी किवें करिया जावे। हाँ काफ़ी गंभीर मसले ने जिहड़े एस जी पी सी हल कर सकती है पर जिहड़ा वो एक जिहड़ी सत्ताधारी धिर आ सत्ता दे विच काबज होने लई उहदे लालच दे विच उन्हां नूं वरत रही आ इहनू सिखां नूं चाहीदा कि हाँ जी जी मैं एक गल होर भी कहनी चाहुंदा है कि 5-4 दिनां तक एक एडा वड्डा खुलासा सुखबीर बादल जां इहदे वल्लों चलाए गए जिहड़ा बिजनेस है बिजनेस दे थ्रू इह श्रोमणी कमेटी नूं लुट रहा है वह खुलासा भी एक सिर दे धिरां करनगियां वह भी पंजाब दे जां पंथ दे सामने आउण वाला तुसीं उह देखिओ फिर पता लगेगा इहनूं इह जवाब देण जोगा नहीं इह रहिणा।